हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू सासुर। तो गाइस, रिसेंटली एनएसबी पिक्चर्स ने अपने इंस्टाग्राम पे ये वाली फोटो अपलोड की है। तो गाइस, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी इस तरह के एडिटिंग करके बता दें, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ इस तरह के एडिटिंग करके बताने वाला हूँ, बहुत ही आसानी से। तो गाइस, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एंड गाइस चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। तो फ्रेंड्स, चलिए देना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको अपने फोटो को लाइटरूम में इंपोर्ट कर लेना है, एंड गाइस यहां से आपको अपने फोटो को ओपन कर लेना है। एंड गाइस, आपको इस टूल्स में मतलब आप सिलेक्टिव ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अगर आपका बैकग्राउंड का कलर आपके फेस पे आ रहा होगा, एंड अगर आप मिक्स टूल से करना चाहोगे तो गाइस थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर आपकी फेस की कलर इधर उधर हो गई तो मतलब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस, इसलिए आपको यहाँ पर सिलेक्टिव टूल्स का यूज़ करना है। एंड गाइस, अगर आपके पास सिलेक्टिव टूल्स नहीं आपके लाइटरूम में, तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें कि सिलेक्टिव ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे आने के बाद आपको सिलेक्टिव ऑप्शन में जाना है, एंड यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, एंड ब्रश पे जाना है, एंड यहाँ से थोड़ा सा चला के इसको साइड में कर लेना है। एंड गाइस, उसके बाद आपको अपने मॉडल को छोड़ के सारे बैकग्राउंड पे चलाना है। तो गाइस, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी चला लेता हूँ। तो गैस, आपको बिल्कुल इस तरह से अच्छे से कर लेना है। एंड इसके बाद गैस, आपको यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से सेचुरेशन को बिल्कुल ही माइनस में कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद जहाँ जहाँ आपको छूटा रहेगा, ठीक है, आपको दोबारा यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करना है, एंड ईजिली आपको इसको यहाँ पे रिकवर कर लेना है, ठीक है। तो गैस, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से भी कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे इसे करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल से कुछ नहीं करना, एंड दोबारा थोड़ा सा सन वाले ऑप्शन में जाएंगे, एंड यहाँ से एक्सपोजर को डाउन कर देंगे, ठीक है, इस तरह से इतना रहने देते हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है डन, ठीक है। तो गाइस, अभी हमारे सिलेक्टिव ऑप्शन का यूज हो चुका है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मिक्स वाले टूल्स में जाएंगे, एंड यहाँ से मिक्स वाले टूल्स में जाके आपको जो यहाँ पे फेस के कलर है आपको ऑरेंज कर लेनी है। तो गाइस, यहाँ से कर लेता हूँ, एंड थोड़ा सा लुमिनेंस बढ़ा देता हूँ, एंड कुछ इस तरह से इसका भी कर लेता हूँ, सेचुरेशन बढ़ा के ऑरेंज कलर का, एंड लुमिनेंस बढ़ा देता हूँ, एंड बाकी जितने कलर बची है इसकी सेचुरेशन को माइनस में कर देता हूँ, ठीक है। आपको कुछ इस तरह से कर लेनी है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको इसके नीचे वाले ऑप्शन में जाना है, एंड यहाँ से बिगिनर को माइनस में कर लेना है इतना, एंड थोड़ा सा मिड पॉइंट को भी, ठीक है, फेदर को बढ़ा लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ाना है, ठीक है। एंड इसके बाद इसके नीचे वाले ऑप्शन में आके आपको यहाँ पे नॉइज रिडक्शन को बढ़ा लेनी है, ठीक है। एंड इतना करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल से एंड थोड़ा सा शेडो बढ़ाएंगे। तो गाइस, उसके लिए आपको यहाँ पे सन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जाना है, एंड शेडो उसको हल्का सा बढ़ा लेंगे, एंड गाइस यहाँ से कर लेंगे डन, ठीक है। तो एंड बिफोर एंड आफ्टर हमारी फोटो देख सकते हो, बिल्कुल बैकग्राउंड चेंज हो गई है। एंड गाइस, इसके बाद आपको लाइटरूम के अंदर कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको शेयर करना है पिक्सआर्ट के अंदर। तो गाइस, पिक्सआर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे जो भी PNG में यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे PNG ऐड करेंगे, तो गाइस उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड फोटो पे जाना है, एंड यहाँ पे जोन से PNG में ऐड कर रहा हूँ उसको आपको ऐड करना है। तो गाइस, आपको सबसे पहले इस वाले PNG को ऐड कर लेना है, एंड आपको यहाँ पे ब्लेंड में जाके इसको स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। एंड इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। एंड गाइस, ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को इतना कम कर देना है, एंड उसके बाद यहाँ से कर देंगे डन, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक जो गोल्डन PNG ऐड करना है, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से ऐड। तो गाइस, आपको कुछ इस तरह से इसको भी ऐड करना है, यहाँ पे ब्लेंड में जाके इसको कर देंगे स्क्रीन, ठीक है। एंड इरेजर वाले ऑप्शन में जाएंगे, एंड जो हमारा हार्डनेस है बिल्कुल कम कर देंगे, एंड उसके बाद जो चला देंगे इसको साइड साइड। तो गैस, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये चीज़ें अच्छे से एडजस्ट करनी है आपको, जो कि थोड़ा अच्छा लुक लगे, ठीक है। एंड गैस, यहाँ से कर देंगे डन, करने के बाद गैस आपको उसके बाद अब बटरफ्लाई PNG ऐड करना है। तो गैस, यहाँ पे ऐड फोटो पे जाएंगे, एंड बटरफ्लाई PNG को ऐड कर लेंगे। तो गैस, इसको ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, फ्लिप रोटेट, यहाँ पे जाना है, एंड आपको इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है, ठीक है। एंड गैस, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है इसके एडजस्ट में, एंड ह्यूज को सिलेक्ट करना है, यहाँ से मैं ह्यूज को सिलेक्ट करता हूँ। एंड इसके बाद आपको कलर को चेंज कर लेना है, ठीक है गाइस, ये कलर रखना है, एंड यहाँ से कर देंगे राइट, एंड आपको कुछ इस तरह से लगा लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लगाने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है डन, एंड दोबारा एक और यहाँ पे लाइट PNG ऐड करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे जोन से PNG ऐड कर रहा हूँ जिस टाइम, आपको उसी टाइम वही PNG ऐड करना है, तभी जाके आपके फोटो में तगड़ी लुक आ पाएगी। तो गाइस, यहाँ पे इस PNG को मैं करता हूँ ऐड, एंड इसको भी यहाँ पे ब्लेंड में जाके करता हूँ स्क्रीन, एंड इसको मैं कुछ इस तरह से ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस यहाँ से करते हैं राइट, एंड एक और बार यहाँ पे हमको PNG ऐड करें। तो गाइस, यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ
एंड आपको दोबारा इस PNG को ऐड करना है एंड यहाँ पे इसको ब्लेंडर में जाकर स्क्रीन कर लेना है। अगर गाइस आपको समझ में नहीं आया मैंने कब कौन सी PNG ऐड किया तो गाइस दोबारा आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको लगा लेना है, ठीक है, जो कि फेस पे लगे कि लाइट आ रही है। एंड इसके बाद गाइस आपको इसके ओपेसिटी को हल्का सा कम कर देना है, ठीक है। इतना कम करने के बाद गाइस जो हमारे यहाँ पे फोटो है बिल्कुल डन एंड 100% एडिट हो चुकी है एंड बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो बिल्कुल लुक हमारे बटरफ्लाई वाली आ चुकी है, ठीक है। तो गाइस आपको डायरेक्ट प्रो टूल्स में जाके अपने फोटो को सेव कर लेना है। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आए, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड गाइस चैनल बने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक एक्साइटिंग एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू गाइस।